बच्चों की मौत पर फिर शर्मनाक बयान। अरुण चतुर्वेदी के बाद कालीचरण सर्राफ का नाम। क्या विभाग के मुखिया की नहीं कोई गलती? क्या मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? नैतिकता नाम की चीज कहां गई? क्या वाकई में प्रदेश के अंदर मंत्रियों के अंदर से नैतिकता खत्म हो गई है? 12 मौतों के बाद एक एक कर शर्मनाक बयान आते हैं और जवाबदेही से बचने के लिए यकीन मानिए दोयम दर्जे की ढाल बनाई जाती है। अरुण चतुर्वेदी और राजेंद्र राठौड़ के बाद अब शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ साहब बयान देते हैं और बचाव करते हुए कहते हैं कि किसी घटना के बाद क्या मंत्री का इस्तीफा देना कोई परंपरा है। लेकिन सवाल है कि जिस मंत्री की निगरानी में 12 बच्चों की मौत हो गई, क्या उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। विमंडित बच्चों की मौत हो गई, इसलिए मंत्री जिम्मेदार हो गया। उसके लिए जो वहां पर केयर टेकर है, वहां के जो इंचार्ज हैं, वो जो जो भी जिम्मेदार होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जामडोली विमंडित गृह में दूषित खान पान से एक के बाद एक 12 मंदबुद्धि बच्चों की मौत हो गई। मौत के बाद नजर आनी तो चाहिए थी सरकार की संवेदनशीलता, विभाग की कार्रवाई, लेकिन बच्चों की मौत पर सिर्फ मंत्रियों के शर्मनाक बयान ही आए। पहले सहकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने बच्चों की बीमारी से लड़ने की क्षमता पर ही सवाल खड़े कर दिए। फिर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने केंद्र की जांच को औपचारिकता बता दिया और कह दिया कि विमंडित गृह में सब ठीक है। अब उच्च शिक्षा मंत्री का ये बयान। विमंडित बच्चों की मौत हो गई, इसलिए मंत्री जिम्मेदार हो गया। उसके लिए जो वहाँ पर केयर टेकर है, वहाँ के जो इंचार्ज हैं, वो जो जो भी जिम्मेदार होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर ये कोई परंपरा नहीं है कि कहीं पर किसी प्रकार का हादसा हो जाए और उसके लिए मंत्री इस्तीफा दे। अब रेल दुर्घटना कहीं पर हो जाए तो रेल मंत्री इस्तीफा दे, कहीं पर कोई अपराध घटित हो जाए तो गृह मंत्री इस्तीफा दे। कौन सी परंपरा आप कायम करना चाहते हो? देखिए, मंत्री हर सरकार में होते हैं, हर सरकार 5 साल में बनती बिगड़ती है, लेकिन जिस प्रकार के लोगों को आज सत्ता में लोगों ने बैठाया है, इन लोगों के दिल में ना तो जनता के प्रति कोई प्रेम लगाव है। गलतियां जब पकड़ी जाती हैं तो चोरी छुपाने के लिए और आक्रामक हो जाते हैं। और मुख्यमंत्री अब तक क्या कर रही है? मुख्यमंत्री ने जो जांच के आदेश दिए हैं, जिस अधिकारी को ट्रांसफर किया है, वो तो पहले से ट्रांसफर हो पड़ा था। ये तो खानापूर्ति का काम है। ये जो खानापूर्ति हो रही है, जो लीपापूर्ति का काम हो रहा है, इससे आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। राजस्थान में आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 12 ऐसे बच्चों की जान जाए। करोड़ों का मिलता है लोगों को, कहां जाता है पैसा? जो खाने का और पीने का जो सामग्री आती है उसका ऑडिट क्यों नहीं कराते? सोशल ऑडिट करना चाहिए, केंद्र की जांच की टीम आनी चाहिए। और इस्तीफा ना देने का इतना प्रेम है तो भाई साहब का इंतजार कर लें, जनता अपने आप सब बराबर कर देगी। मंत्री जी, इस्तीफा देना भले ही रवायत ना हो, लेकिन जिस मंत्री की निगरानी में 12 बच्चों की मौत हो जाए, उस मंत्री के लिए ये शर्मनाक तो है ही ना। वो मंत्री भले ही प्रत्यक्ष रूप से दोषी ना हो, लेकिन इस अपराध के लिए वो नैतिक जिम्मेदार तो है ही ना। तो ऐसे में क्यों ना उन्हें नैतिक तौर पर ही मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्यों नहीं उन्हें मान लेना चाहिए कि वो सफल कप्तान नहीं है जिनके निगरानी में उनके विभाग के अधिकारी नाकारा साबित हुए? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो यहां पर उच्च शिक्षा मंत्री कहते हैं कि यह कोई परंपरा नहीं है, और क्या 12 बच्चों की मौत हो जाए तो उसके बाद मंत्री साहब इस्तीफा दे दे, ये भी कोई परंपरा नहीं। लेकिन इस सवाल का जवाब कोई देता नहीं कि मंत्री अरुण चतुर्वेदी, जो कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो 3 दिन जाकर विमंडित गृह में खाना खाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि वहां पर सब सही है। केंद्र से टीम वहां पर पहुंचती है तो चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि महज औपचारिकता है, और आज उच्च शिक्षा मंत्री कहते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी बनती नहीं और इस्तीफा मंत्री को देना नहीं चाहिए। तो क्या यह मान लिया जाए कि 12 मौतों का कोई जिम्मेदार नहीं? बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर करेंगे, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पीसीसी महासचिव ज्योति खंडेलवाल जी, बीजेपी नेता मनीष पारीख जी, सामाजिक कार्यकर्ता निशा पारीख जी और राजनीतिक विश्लेषक मानचंद खंडेला जी। मनीष जी,
आपके मंत्री जिनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और विभागीय जिम्मेदारी भी, वो कहते हैं कि खाना भी सही पीना भी सही जिम्मेदार कोई नहीं। चिकित्सा मंत्री जिनके ऊपर इलाज की जिम्मेदारी, वो कहते हैं कि टीम यहां पर आई वो औपचारिकता भर है। और अब कूद जाते हैं उच्च शिक्षा मंत्री, कहते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी से क्या लेना देना, मंत्री इस्तीफा देगा नहीं। जरा ये बताइए कि इन मौतों का कोई जिम्मेदार भी सरकार के बीच है या नहीं है? विजेंद्र जी, बात यह है कि जो सिस्टम है, जो प्रशासन है, जो वहां के अधीक्षक हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक लेकर 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा मांगा है वो फौरी तौर पर औपचारिकता के नाम पर मांगा है, और विशेषकर ऐसी परिस्थिति में देखिए मनीष जी, मनीष जी प्रशासन के बाद में पहुंचे। खाली जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद विपक्षी पार्टियां ये कहने के लिए वहां पर जाए कि हमने भी मुआयना कर लिया है और ये होना चाहिए। मनीष जी, विपक्ष को छोड़ दीजिए, आपके मंत्री खुद ऐसे बयान दे रहे हैं कि सरकार कटघरे में है। अगर आपके मंत्री अरुण चतुर्वेदी ये कहें कि वहां खाना सही था, पानी सही था और सब सही था, तो कार्रवाई कर क्यों दी? और अगर कार्रवाई उनके ऊपर की गई तो एक विभाग के मुखिया के तौर पर नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है कि वो कबूल करें कि गलतियां हुई हैं, लापरवाही हुई है और वो इसके लिए जिम्मेदार है। क्या इतनी नैतिक जिम्मेदारी भी सरकार के मंत्री की बनती नहीं? ये तो स्वमेव सिद्ध है विजेंद्र जी कि जब कार्रवाइयां हुई है तो लापरवाही है ही, और इसी कारण से ऐसा हुआ है। पर मुझे लगता है जो स्पॉन्टेनियस जवाब उन्होंने उस समय दिया है, वो किस परिस्थिति में और किस बात को लेकर संदर्भ में दिया, वो अलग बात है। लेकिन ये बात तो तय है कि लापरवाही हुई थी और उसके कारण ये मौतें हुई थी, और उसी के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत स्टेप उठाकर बैठक लेकर तत्काल स्वरूप पर कार्रवाई की है जी। ये बात भी सही है, मेडिकल टीम जब आई थी तो वो जब जेके लोन अस्पताल में आई उस समय कोई जो मौतें हो चुकी थी, इसलिए उनने केवल जो इलाज के बारे में जानकारी लेनी देनी थी वो काम किया था, इसलिए उन्होंने शायद औपचारिकता कहा क्योंकि उस समय कोई इलाज नहीं हो रहा था जी। तीसरी बात जो माननीय कालीचरण सराफ जी ने कहा है इस्तीफे को लेकर, वो जितनी इनसिंसियरिटी से कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में बात की है उसका जवाब मात्र उन्होंने दिया है। बड़ी बात ये भी है, क्या सब लोगों को क्या तनखा पा रहे हैं, एक तारीखों बयानों में कहीं संवेदनशीलता नजर आई? एक तरफ मंत्री कह रहे हैं कि जिम्मेदार नहीं, दूसरे मंत्री कहते हैं कि औपचारिकता है, तीसरे मंत्री कहते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी नहीं, संवेदना कहां है, सरकार कहां है? विजेंद्र जी, कॉलम वाइज इनडायरेक्ट आस्पेक्ट जो स्पीच है उसको उठाकर रखा गया है इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन अगर पूरी चर्चा का विस्तार से देखेंगे तो आपको लगेगा पूरी संवेदनशीलता के साथ जवाब दिया गया था। दो लाइनें उसमें से अडॉप्ट करके बात करेगी कांग्रेस पार्टी तो ऐसा ही प्रतीत होगा। मनीष जी, मैं एक आम आदमी की तरह आपसे पूछ रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, आम आदमी की तरह यहां पर पूछ रहा हूं, क्या आपको तीनों बयानों में से एक भी बयान ऐसा लगा जो मंत्री का संवेदनशीलता से भरा बयान था, और क्या वाकई में सरकार और मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? जी नहीं, जिम्मेदारी तो है ही, उसमें कोई इनकार नहीं है। जहां तक इस्तीफे का सवाल है उस पर उन्होंने कहा ये कोई परंपरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा नहीं किया था और इसलिए ऐसा नहीं हुआ है, ये उसका एक सवाल मात्र का जवाब है जी। जिन लोगों को जेल में चले गए उन लोगों ने इस्तीफे दिए कांग्रेस पार्टी की, वो अलग बात है। लालू जी वहां पर चारा घोटाले में जेल में चले गए, बंसल जी के भतीजे पैसे मांगते हुए देखे गए, वो ए राजा और कनीमोजी वो पैसे मिल गए इसलिए वो गए, उन्होंने इस्तीफे दिए, वो अलग बात है। लेकिन जो नैतिकता के नाम पर एक बड़ी बात, केवल जितनी इनसिंसियरिटी से उन्होंने बात की, मनीष जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, ज्योति जी के पास आऊंगा क्योंकि शायद आप लाल बहादुर साहब के इस्तीफे को भूल गए, वो भी कांग्रेस की, शायद आप पवन बंसल के इस्तीफे को भी भूल गए हैं, और शायद आडवाणी साहब ने भी जो इस्तीफा दिया था उसको भी भूल गए। मुद्दा इस्तीफा नहीं है, मुद्दा यह है कि बयानों में तो कम से कम संजीदगी दिखाई जाए। ज्योति जी आपके पास मैं आऊंगा, क्या वाकई में जो कांग्रेस यहां पर इस्तीफा मांग रही है, इस्तीफा इसका वाकई में एक हल है? देखिए, इस्तीफे की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि आप देखिए विमंडित बच्चों का मामला जिसमें एक के बाद एक लगातार मौतें होती जी। आप पहली दूसरी तीसरी मौत पर भी अगर सजग हो जाते तो शायद हम इतनी बड़ी संख्या में जो विमंडित बच्चों की मौत हुई है उससे हम शायद कंट्रोल कर पाते। लेकिन आप देखिए पहली बार जब बयान आता है तो ये क्या रहता है कि उन बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है इसलिए उनकी मौतें हो रही है। हम जो वहां समस्या थी, वहां लापरवाही थी, उस तक जाना ही नहीं चाह रहे थे, उसमें वो संवेदनशीलता नजर ही नहीं आ रही थी। वरना ये संवेदनशीलता अगर पहली बार में नजर आती तो बात समझ में आती। और सिर्फ वहां से केयर टेकर को हटा देना, अधिकारी को निलंबित कर देना और एक ट्रांसफर अधिकारी को दोबारा ट्रांसफर दिखा देना, लेकिन ये भी तो ज्योति जी
हास्यास्पद ही लगता है। मंत्री साहब खुद वहां पर पहुंचते हैं, कहते हैं कि खाना पीना सही है, अगर सब कुछ वहां पर सही है तो फिर कार्रवाई क्यों की गई? बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में लगातार आप इतनी असंवेदनशीलता, इतने संवेदनशील मुद्दे पर जहां विमंडित बच्चों का मामला हो वहां अगर दर्शाए, तो देखिए सरकार में तो निश्चित रूप से ऐसे नुमाइंदों की जरूरत होती है जो संवेदनशीलता से जनहित के बारे में सोच सके। अगर वो जनहित के बारे में संवेदनशीलता के साथ सोच ही नहीं सकते तो उनको सरकार में रहने का कोई हक, कोई अधिकार लोकतंत्र में नहीं। मानचंद जी, आपको क्या लगता है, अगर अगर कांग्रेस यहाँ पर इस्तीफा मांग रही है, क्या वाकई में एक राजनीतिक स्टंट है, या फिर आपको लगता है कि अगर सरकार का कोई भी एक मंत्री, कम से कम जिम्मेदार मंत्री, इस घटना के सामने आने के बाद संजीदगी दिखा देता तो शायद नौबत यहां तक नहीं आती? देखिए मैं यहां पे कह रहा हूं, नैतिकता की बात करना घोर अनैतिकता है। नैतिकता और राजनेता दोनों का कोई संबंध नहीं है जी। मैं देखिए बात दूसरी कहना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट यह है कि चाहे एमएलए हो चाहे मंत्री, वो पब्लिक सर्वेंट है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वह देश का कानून है, और इसलिए जो पब्लिक सर्वेंट है उस पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो मंत्री पे की जानी चाहिए। और कार्रवाई क्या की जानी चाहिए, गैर इरादतन हत्या का अपराध जो है मंत्री ने किया है जी। यानी उसके अभी ज्योति जी ने कहा कि एक के बाद वहां पे जाना मृत्यु हो रही थी, इसका मतलब मृत्यु के बारे में समित चिंता की बात नहीं कर रहा मैं, आप बिल्कुल केयरलेस थे। अगर आप केयरलेस थे इसका मतलब उनके लिए मरने को आपने उनको प्रेरित किया या कंडीशन बनाई, इसलिए गैर इजाजतन हत्या का मामला मंत्री बनना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक कर्मचारियों की बात है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है, वो भी तनख्वाह लेते हैं, और मंत्री भी तनख्वाह लेते हैं उनसे चार चार गुना, पांच गुना, छह छह गुना, और सुविधा लेते हैं, इसलिए मंत्री जो है अकाउंटेबल है। और अब जमाना लग जाना चाहिए जब मंत्री कहे साहब हम तो जो है वास्तव में हमने कार्रवाई कर दी, अरे आपके ऊपर कार्रवाई किसने कर दी? और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री जी ने कही अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी अभी तो जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं उसमें आपके सामने क्या बाध्यता है, क्या सीमाएं हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या बाध्य हो रही है उसको तो स्वीकार कर रहे हैं, और आइंदा नहीं होगी उसके बाद में फिर ये कहेंगे। और अंतिम बात में इस संदर्भ में जो कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं ये जो कार्यचरण की शराब है वो हर मामले में इसी प्रकार की बात करेंगे। ठीक बात, जब वाइस चांसलर की नियुक्ति की बात आई तो वो ये कह रहे थे वीवी जोन कौन सा जो है ना कि पीएचडी था, अरे भाई उस समय ये नियम नहीं थे, अब नियम बन गए और उनको खाली बोलना है। और क्या मानसिंह जी ये कहा जाए कि कालीचरण सराफ जो कि उच्च शिक्षा मंत्री है उनको गंभीर लेना ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि बयानों के साथ कुछ ऐसा ही नाता है, क्या जानबूझकर ऐसा किया जाता है? देखिए पहला ट्रांसफर इन्होंने किया उच्च शिक्षा में तो वो जो है सामाजिक कल्याण मंत्री जो है उनकी वाइफ का किया, और उन्होंने कहा साहब किस नियम के आधार पर किया, फिर आपने कर दिया, नियम क्या होता हमने कर दिया, ये वास्तव में जो है दबंगता है, दबंगई है, और ये दबंगई जो है ना वो केवल कानून के घेरे से ही जो है दूर हो सकती है, और जब तक कानून के घेरे से दूर नहीं होगी, ज्योति जी कह रही है संवेदनशीलता होनी चाहिए, अरे संवेदनशीलता और सरकार कुछ समझ में नहीं आने वाली बात नहीं, कौन कौन सी घनघोर जो अपराध यहाँ पर हो गए हैं, कोई कुछ नहीं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात है मानसिंह जी, और यहाँ पर भी कार्रवाई की बात यहाँ पर की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता ना सर, कार्रवाई निशा पारिक जी, निशा पारिक जी आप सामाजिक कार्यकर्ता है, अब मुख्यमंत्री साहिबा ये कहती है कि हर विमंडित गृह, छात्रावास, वृद्धाश्रम सबका उचित निरीक्षण किया जाए, सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो जिस विभाग को संभालता है वो उसकी देख रेख करे और वो सुचारू रूप से चले, ये नैतिक जिम्मेदारी है, और अगर वो भी ना निभा पाए तो इन निर्देशों का क्या किया जाए? सर देखिए सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, अब आप इन सारी चीजों को लेकर जागरूक हो रहे हैं कि अब औचित निरीक्षण किया जाएगा या इस तरह की बातें दोहराई नहीं जाएंगी, ये होगा वो होगा, 12 बच्चे जब खत्म हो गए तब सरकार चेत रही है कि साहब अब हम मंत्री जी भी पहुंच रहे हैं विमंडित गृह में, वहां का खाना देख रहे हैं, अगर ये सारी जिम्मेदारियां पहले से निभा ली जाती तो शायद वो 12 बच्चे आज दुनिया में होते जी। पहली चीज, दूसरी चीज ये है कि आज गवर्नमेंट जो है इन ऐसे ग्रहों को इतना अनुदान देती है जिसके ऊपर इन बच्चों की बहुत से अच्छी सी देखभाल की जानी चाहिए, चाहे वो छात्रावास की बात है चाहे वो विमंडित गृह की बात है। दूसरी चीज ये है कि जहां वहां आपका स्टाफ लगाया हुआ है, इतना आपने दिया हुआ है, फैसिलिटीज पूरी वहां है, लेकिन उनके ऊपर वो ध्यान नहीं देते, वो पैसा कहां जाता है, वो सुविधाएं जाती कहां है, कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है, सरकार को इन आंकड़ों के बारे में भी लेकिन निशा जी जवाब कौन दे, नैतिक जिम्मेदारी तो यहां कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, एक मंत्री नैतिक जिम्मेदारी की बात छोड़ दीजिए, जो जिम्मेदार पद पर है उनकी नैतिकता की बात छोड़ दीजिए आप, ये जिम्मेदारी है इनकी, कानूनी जिम्मेदारी है जी, और इनको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी है और इनको कानून के रूप में सामने जाना पड़ेगा और इनको अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल उनका कर्तव्य नहीं है, ये इनका दायित्व है, ये उनकी अकाउंटेबिलिटी है, और जैसे पब्लिक सर्वेंट यानी सर्वेंट जो नहीं करता वैसे उनको करना पड़ेगा।
चलिए चलिए मानजन जी सर, ज्योति जी शायद आप कुछ कहना चाहती है, आप अपना भी जवाब दीजिएगा और इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। क्या वाकई में सरकार के अंदर मंत्री और मुख्यमंत्री कोई आपको संवेदनशील नजर आ रहा है, और कांग्रेस मुद्दे को लेकर इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्यों आगे बढ़ रही है? देखिए, पहली बात तो विजेंद्र जी, मैं एक बहुत सिंपल सी बात पूछना चाहती हूँ। विभाग में कोई अच्छा काम होता है, कोई अच्छी कोई नीति बनाई जाए या कोई अच्छा कोई लॉन्च शुभारंभ उद्घाटन किया जाए, तो उसका सारा श्रेय लेने के लिए कौन आगे आता है? जी, मंत्री आगे आते हैं ना कि हमारी सरकार में हमारे मंत्री जी ने ये कर दिया वो कर दिया, ये सब कुछ करने के लिए मंत्री काम आगे होता नहीं है, पत्थर मारने की होड़ मच जाती है ना, यही आता है। तो जब आज आप किसी अच्छे काम का पूरा श्रेय और क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, तो फिर आपके विभाग में इतनी घोर लापरवाही का श्रेय आपको क्यों नहीं जाए, उसकी जिम्मेदारी आप पर क्यों नहीं बने? चलिए सीधा ले लेते हैं मनीष पारीख जी, अगर एक रिबन काटना होता है एक छोटी सी सड़क का भी, तो मंत्री साहब खुद पहुंचते हैं, पत्थर लग जाता है, लेकिन लापरवाही की बात आती है तो कहते हैं कि जिम्मेदारी नहीं, अफसरों की जिम्मेदारी है, कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। दोहरा रवैया क्यों? क्रेडिट के लिए आप आगे आएंगे और जब हंटर की बारी आएगी तो कर्मचारी और अधिकारी आगे आएंगे। नहीं, इसमें दो बातें हैं। मंत्री जो उद्घाटन करने बुलाया जाता है, ज्योति जी महापौर थी तो कोई सड़क ये थोड़ी बनाती थी, वो उद्घाटन करने जाती थी, ये जनरली ऑफिसर्स द्वारा होता है। सफाई नहीं होती तो जिम्मेदार भी आप मुझे ही नहीं रहते थे मनीष जी, और उसके लिए आपने कभी अधिकारियों को जिम्मेदार करा? कभी नहीं करा, हमेशा मेयर पर आरोप लगाए। उद्घाटन करने जाते हैं, लेकिन आप ये मान लें विजेंद्र जी कि इसमें मंत्री का उत्तरदायित्व है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। उत्तरदायित्व है ही, और ये बात भी सही है, उसके लिए अफसोस जो व्यक्त किया जाता है। अरे मनीष जी कानून है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट है, पैसा लेते हैं, वो जिम्मेदार क्यों नहीं है? जी, कि जितने भी लोगों को पद पे होते हैं उनको इस्तीफा देने की बात करना, ये बात बेमानी इसलिए होती है कि सिस्टम जो है वो उसकी बात कर रहा हूँ, आर्मी के बारे में कर रहा हूँ, इंटेंशन अभी आपने गैर इरादतन हत्या, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं अगर आप कानून पढ़ेंगे, अरे कानून का मैं जाता हूँ, अंदर बाकायदा सुनवाई होनी है, कल कोर्ट के अंदर बाकायदा सुनवाई होनी है। कोर्ट ने भी यही पूछा है कि क्यों ना आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, बिल्कुल ऊपर छोड़ते हैं इस मामले को। आप सिर्फ अपने मंत्रियों की बताइए, आप सिर्फ अपने मंत्रियों की बताइए, क्या प्रदेश के अंदर मंत्री का मतलब एक पुतला हो गया है, जो अगर कार्रवाई कुछ अच्छी होगी तो क्रेडिट ले लेगा, पर्ची चिपका देगा, और अगर कुछ गलत होगा तो कहेगा मैं तो पुतला मात्र हूं, काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई हो जाएगी, मैं अपने पद पर बना रहूंगा। काम नहीं लेने वाला आसान नहीं है, जितना आसान आपने कहा है, ये कोई गिल्ट बड़ी बात है, इसलिए भी कि जो घटना हो चुकी है उसके बाद में उसके बारे में पत्थर फेंकना एक बात है, और उसके लिए स्टेप उठाकर होती रही है दुर्घटना, और उसके बाद में बात है, मनीष जी जब वहां पर संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए, जब एक नेता किसी उस घर पे जाता है जहां पर किसी की मौत हो गई होती है तो उसकी जुबान में भी संवेदना दिखाई देती है, चाहे वो राजनीतिक ही क्यों ना हो। यहाँ पर 12 बच्चों की मौत होती है और किसी की जुबान पर संवेदना नहीं होती है, क्योंकि वो सीधे गिरे होते हैं, की गई है, इससे राजनीतिक बाजार में डैमेज होता है। इंद्र जी जो अपॉस्ट्रोफी में बात उठाकर लाई गई है सेमी कॉलन में, वो अलग बात है, और ये बात है क्योंकि उसी पे चर्चा हो रही है। अगर आप पूरी 8 लाइन की बात करेंगे तो शुरू की 4 लाइन संवेदना जी, जनता के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए आप जी, आप अपनी बात को मान लीजिए कि हमसे गलती हुई, भविष्य में नहीं करेंगे, जनता हमें क्षमा करे, ठीक है, कहा जा सकता है, एक मंत्री आकर गलतियां हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे उनके माध्यम से आने में कोई बुराई नहीं, उनके लिए तो आप आए यहाँ पे, जिनको ये कहना है वो कहे, लेकिन केवल कहने के लिए कहना, फिर वही बात बड़ी बात यह है कि चलिए मानचंद जी ये बड़ा अच्छा कहा मनीष जी ने, कहने को कह भी देंगे तो होगा क्या, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बदलाव होना नहीं, तो आखिर माफी मांगे किस चीज के लिए? क्या वाकई में आपको यही सिचुएशन दिखाई देती आए हैं उनको मानचंद जी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज का प्रोडक्टिव रिजल्ट कभी मानचंद जी, मनीष जी रोकना चाहूंगा, बड़ी अच्छी बात कही आपने मानचंद जी, मनीष जी कह रहे हैं कि माफी मांगने से क्या होगा, क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि जब बदलाव होगा ही नहीं, लापरवाही इसी हद तक होगी, माफी भी मांगेंगे नहीं, तो फिर माफी मांगकर करें क्या? देखिए मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि मारवाड़ी में यह कहा था कि मारे जी ने माध्यो मारे और माध्या ने कुड़ मारे, इनकी हालत तो यह हो गई है,
कि हमें कौन मारेगा, हमने कर दिया, हमने ट्रांसफर कर दिया। सबसे पहला ट्रांसफर अरुण चतुर्वेदी की जो मैडम है उनका किया, उनसे कहा गया किस नियम के आधार पर कर दिया, बोले नियम क्या हमने कर दिया। अब ये कह रहे अरे मंत्री जिम्मेदार होगा क्या, अरे मंत्री जी आप लो पढ़े हुए हैं, आपको पता नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि जो मंत्री है पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट का मतलब कि जो कुछ कर्मचारी के ऊपर लागू होगा वो ये आपके ऊपर लागू होगा। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ या कोर्ट में लेकर को ये हो गया कि गैर इजाजत हत्या का अपराध माना जाना चाह रही है, इस पर मुकदमा चलेगा, तब आप क्या कहेंगे। अब सवाल में एक दो बातें और कहना चाह रहा हूँ यहाँ से, देखिए संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई है, कांग्रेस पार्टी पता नहीं कब करेगी लेकिन जनता कंधे को उद्धरित हो गई है। पानी की बात आप नहीं करना चाहते, आप किसी प्रकार की बात दूसरी नहीं करना चाहते, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करना चाहते, महिला संरक्षण की बात नहीं करना चाहते, भागे गुंडे लूचे रफंगे अफंगे उनके बारे में बात नहीं करना चाहते, तो आप करना क्या चाहते हैं, सरकार में है किस लिए, केवल आप प्रोजेक्ट में भोगने के लिए शायद यहाँ पर है क्योंकि जिम्मेदारी तक यहाँ पर ली नहीं जा रही है। ज्योति जी क्या वाकई में मान लिया जाए कि प्रदेश के अंदर पांच साल प्रदेश के अंदर सरकार देखनी है, मंत्री जिम्मेदारी निभाएंगे नहीं और अगर कुछ गलती होगी तो नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर भी कुछ करेंगे नहीं, जनता के हाथ कुछ नहीं लगना है। बिल्कुल, सरकार जिस तरह की असंवेदनशीलता इस मामले में दिखा रही है उससे तो कहीं कोई आशा नहीं बनती कि आगे भी कोई स्थितियां ठीक होने वाली हैं, क्योंकि आप खुद देखिए ये अभी बहुत बहुत बातें हो रही हैं, अभी मामला आप जैसे मीडिया के लोगों ने भी बहुत उठा रखा है, उन विबंधित बच्चों के मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए आप उन्हें रोज दिखा रहे हैं, रोज उनकी स्थिति के बारे में बता रहे हैं, रोज ऐसी घटनाएं, रोज और अन्य स्थानों पर कैसी स्थिति चल रही है उस सबको बता रहे हैं, तो एक ही औचक निरीक्षण की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही ये मामला हम यूं कहें कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, जब लोगों का ध्यान इस पर से हट जाएगा थोड़ा सा, वैसे आप देखेंगे स्थितियां वापस वैसे की वैसे पुराने की पुरानी। क्यों? क्योंकि ना तो मंत्री अपनी जिम्मेदारी जब आज ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो जब लोग उनके ऊपर आक्षेप नहीं लगाएंगे, लोग उनको याद नहीं दिलाएंगे, लोग कटाक्ष नहीं करेंगे, तब तो वो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो वहां से मॉनिटरिंग खत्म। आपने जो कार्रवाई की है वो एक फौरी कार्रवाई है अधिकारियों पर, अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जो कि एक बहुत सख्त कार्रवाई के रूप में दिखाई दे, तो वहां पनिशमेंट नहीं होगा, पनिशमेंट होता ही सख्त होंगे, मंत्री खुद ऐसा मानते हैं कि गलती हुई नहीं तो कार्रवाई किस पर होंगे जो होगा। बिल्कुल, और जब अगर आप वहाँ पर जब आप वो कार्रवाई नहीं हुई यानी कि दोषी अधिकारी को लग रहा है कि और 10-5 दिन निकल जाने दो, सब कुछ थोड़ा सा ठंडा पड़ जाने दो, फिर हम तो वापस वैसे के वैसे है ही, हमारे ऊपर मंत्री ने आज कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि वो बचाव में हमारे आगे खड़े हो गए कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई लापरवाही नहीं हुई, तो आगे भी ये मंत्री हमारे लिए बचाव में खड़े हो जाएंगे, तो हमको क्या जरूरत है कुछ भी सुधार करने की। तो ये जो औचक निरीक्षण की बातें और ये सब भी हो रहा है, सही बात कही मनीष जी ने, कहने के लिए कहा जा रहा है कि हाँ भाई ये औचक निरीक्षण होंगे, जबकि जमीन पर तो वही ढाके तीन बात है जो पहले दिखाई देते थे वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं कि पूरी सूरत दिखाई दे रही है। निशा बारिक जी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में मंत्री अपने विभागों को लेकर गंभीर नजर आते हैं, क्योंकि बयानों से तो गंभीरता दिखती नहीं, काम कुछ होता दिखाई देता है, क्या बदलाव आपको दिखाई देता है, और क्या वाकई में आपको लगता है एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कि आज मुख्यमंत्री ने कह दिया तो कल से तस्वीर बदल जाएगी। देखिए ये सारी चीजें लगती नहीं, क्योंकि पिछले हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो आप डॉक्टर्स की लापरवाही को देख लीजिए, आप पुलिस प्रशासन की लापरवाही को देख लीजिए, शिक्षकों की लापरवाही को देख लीजिए, और आज जो मुद्दा चल रहा है विबंधित बच्चों का जो मुद्दा है, पीछे कौन सी कार्रवाइयां कर दी गई, एक निलंबन का एक छोटा सा जिसे कहें हम पर्दा लगा देते हैं कि हाँ ठीक है हमने निलंबित कर दिया, निलंबन किसी भी समस्या का हल नहीं है। यदि सख्त कार्रवाई की जाती तो एक डिपार्टमेंट से कहते ना एक खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक यदि सजा मिलती तो दूसरा अपने आप सुधरता, लेकिन वो कहीं सख्ती आई ही नहीं प्रशासन में, और सबको अगर एक के ऊपर सख्त कार्रवाई हो जाती तो ये घटनाएं निरंतर बढ़ती नहीं, और आज जो स्थिति आकर खड़ी हो गई है कि जनता में से डर खत्म हो चुका है, जो सरकार कर्मचारी उनमें से डर खत्म हो चुका है कि होगा क्या ज्यादा से ज्यादा निलंबन होगा, थोड़े दिन 2-4 महीने हम घर बैठेंगे वापस से वहीं के वहीं आ जाएंगे। तो खुद गंभीर नहीं पड़ना चाहिए मनीष जी, बात के मैं समर्थन करती हूं, वक्त की कमी है, सबसे पहले तो एक लाइन में यही बता दीजिए मनीष जी, सबसे पहले तो एक लाइन में यही बता दीजिए कि सरकार वाकई में ये मानती भी है नहीं मानती कि 12 बच्चों की जो मौत हुई है वो लापरवाही की वजह से हुई है, सरकार ये मानती भी है नहीं मानती। मैं आपको तब से कह रहा हूं विजेंद्र जी लापरवाही है, अगर लापरवाही अगर यहाँ पर है, अगर लापरवाही यहाँ पर है तो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज क्यों ना हो, एक बच्चे के लिए 34,000 रुपए सालाना सरकार खर्च करती है। आ गया सर, आ गया, और 300 जो भी ये बात कर रहे हैं उस बारे में अलग बात है, लेकिन ये जो
भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई है, जनता के प्रति उत्तरदायी तो उन लोगों का है, बिल्कुल है, इसमें कोई ये बता देंगे कि अब जिम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं। जो भी कतिपय घटनाएं 64 स्थानों पर अभी तक कार्रवाइयां हुई है, कितने लोगों को सस्पेंड किया है वो आंकड़े बता सकते हैं। अशोक सिंह भी जैसे लोगों को बिना सीबीआई के वापस बुला लिया गया है। आईएएस अधिकारी जेल में गए हैं, पहली बार हुआ। मनीष जी मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, क्या आपको लगता नहीं कि मंत्री को माफी मांगनी चाहिए जो कुछ हुआ? मनीष जी, क्या मंत्री को माफी मांगनी नहीं चाहिए जो कुछ हुआ? अशोक आरोप लगा था, ये भी एक टॉक शो है। जरा मांजन जी, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है। मनीष जी, मनीष जी सवाल का जवाब दीजिए, क्या मंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या मंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए? लेकिन बीजेपी की सरकार क्यों नहीं होती थी? मांजन जी, खत्म हो रहा है। मांजन जी मुझे जरा, मनीष जी क्या मुझे सुन रहे हैं? मनीष जी क्या मुझे सुन रहे हैं? और उस समय मनीष जी क्या मुझे सुन रहे हैं? या आपने कहा, मनीष जी क्या मुझे सुन रहे हैं जी? क्या मंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए ऐसे बयानों के लिए, हाँ या ना? ये निश्चित तौर पर ये उनका अपना विषय है, मैं चूंकि वो मंत्री नहीं हूं इसलिए मैं उसकी फीलिंग में नहीं बता सकता। शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशा जी आपका भी शुक्रिया, मानचंद जी आपका भी, और ज्योति जी आपका भी शुक्रिया। मनीष जी कहते हैं कि वो उनकी जगह नहीं है, इसलिए वो भावनाओं को समझ नहीं सकते। लेकिन सवाल यह है कि 12 मौत हो जाए, भावनाएं क्या वाकई में संवेदनहीन हो जाती हैं कि हर मंत्री बचाव पर उतरता है और कार्रवाई की बात करने की जगह नैतिक जिम्मेदारी निभाता भी मंत्री नजर नहीं आता? बिग बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही।